और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के चूरू से ये बड़ी खबर आ रही है। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर 22 जून को चूरू के सुजानगढ़ में एक लड़के पर भी जानलेवा हमला किया गया था। पीड़ित लड़के के मुताबिक नुपुर शर्मा के समर्थन के आरोप में 4 से 5 लोगों ने उस पर हॉकी और धारदार हथियार से हमला किया था। ये बड़ी खबर राजस्थान के चूरू से सामने आ रही है। उदयपुर जैसी घटना चूरू में भी हुई थी, जहां नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर युवक पर हमला किया गया था। बिहार के भागलपुर में एक महिला ने छेड़खानी के आरोपी को पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया कि टेम्पो में सवार महिला से एक आदमी ने छेड़खानी की, जिसके बाद उस महिला ने आरोपी का भागलपुर के कचहरी चौक तक पीछा किया और उसे पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच सड़क पर ही नोकझोंक हुई। ये देखकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और बाद में वहां पुलिस वाले भी पहुंच गए। इस बीच गुस्से में महिला ने छेड़खानी के आरोपी पर हाथ छोड़ दिया और उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। महिला का आरोप है कि उस व्यक्ति ने गंदे इशारे किए और छेड़खानी भी की थी। बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ, पीछा किया, मैंने पीछा किया, इसका पीछा किया तो मारा, तो ये भागने की कोशिश किया, भागने का आप लोगों ने पकड़ा और क्या। वही आरोपी ने महिला के आरोपों को गलत बताया। महिला है, कुछ भी कहेंगे तो लोग इनकी बात को ज्यादा समझेगा, टेम्पो पर तो भीड़ भाड़ रहता है। हालांकि महिला ने आरोपी के माफी मांगने के बाद इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं कुर्सी गंवा चुके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान रूस और अमेरिका के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। वो कभी रूस की हिमायत करते हैं, कभी अमेरिका के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान की सरकार पर जब संकट आया था तो उन्होंने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन कुछ ही दिनों में इमरान खान ने ऐसी पलटी मारी कि बड़े बड़े हैरान हो गए। जब इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ खूब जहर उगला था और कहा था कि वो रूस और उनकी नजदीकी से परेशान है, लेकिन कुर्सी जाते ही इमरान के सुर बदल गए। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इमरान की पार्टी ने उन सारे आरोपों के लिए अमेरिका से माफी मांगी। रिपोर्ट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई ने अमेरिका से उन सारी बातों के लिए अफसोस जताया जो इमरान ने उसके खिलाफ कही थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इमरान अमेरिका और रूस दोनों से दोस्ती रखना चाहते हैं, जिसके लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि रूस और अमेरिका दोनों खुश हो जाएं। यूक्रेन जंग के बाद रूस और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ चुकी है, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन इमरान ऐसा खेल खेल रहे हैं कि दोनों दुश्मन उनके और पाकिस्तान के दोस्त बने रहे, क्योंकि एक इंटरव्यू में इमरान ने कहा कि पाकिस्तान का भविष्य रूस के साथ बंधा हुआ है। यही नहीं, इंटरव्यू में उन्होंने यूक्रेन पर हमले की निंदा करने से भी मना कर दिया, यानी उन्होंने पाकिस्तान के भविष्य का हवाला देकर रूस से दोस्ती बढ़ाने की बात कह दी। इमरान इसी साल फरवरी में रूस गए थे, वो दिन था 24 फरवरी, यानी जिस दिन यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था। इमरान ने पुतिन से अपनी उसी मुलाकात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया था।